कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। समाज कल्याण विभाग की अगर निष्क्रियता या संलिप्तता पाई गई, उसके अधिकारी कितने भी आला अधिकारी क्यों ना हो, अगर संलिप्तता या पाई जाएगी तो वो भी बख्शे नहीं जाएगा। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से दावा वादा किया जाता है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है और सुशासन का राज है, लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ बढ़ा है और लगातार बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, और पटना शेल्टर होम मामले को लेकर जिस प्रकार से पीड़िता ने गायघाट सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद FIR दर्ज हुआ और SIT टीम इस पूरे मामले की जाँच हो कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो मणिभूषण सिंगर हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और सीधे तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले की जांच CBI से किया जाए। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जदयू के वरीय नेता सुनील जी हैं हमारे साथ। सर, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, पटना शेल्टर होम मामले में जिस प्रकार से पहले FIR दर्ज नहीं किया गया, समाज कल्याण विभाग क्लीन चिट दिया, कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद इसमें FIR दर्ज हुआ, तो आखिर लीपापोती क्यों की जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है, गया, दरभंगा, ये तमाम चीज़ें, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, तो कहीं ना कहीं कानून के राज में सवाल उठ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार इस बात की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो 3C क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति माननीय मुख्यमंत्री के आने के पहले क्या थी ये बोलना नहीं पड़ेगा, सारे लोग जानते हैं। सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि सभ्य समाज में भी अपराध होते हैं, लेकिन उस अपराध में देखना ये होता है कि सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ वो अटैक्ट करती है और अपराधियों को धर दबोचती है, और कितनी मुस्तैदी के साथ अपराधियों को वो जेल के सलाखों के पीछे करती है। तो अगर वैसे देखेंगे तो क्राइम रेट में जो नेशनल डाटा है या स्टेट का डाटा है, तो बिहार कहीं स्टेट में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे, मगर ये कोई हमारा आदर्श सिचुएशन नहीं है और हमारे पूरे सब हमें निश्चिंत होने की बात नहीं है। अपराध अगर होते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी का सूक्ष्म अनुश्रवण से अपराधी धर दबोचे जाते हैं। आपने हाल में देखा होगा कि वो सोना लूट कांड हुआ या बैंक डकैती कांड हुआ, सब में अपराधी पकड़े गए, और अपराधी पकड़े जाएंगे तो ऐसे में जहाँ तक विपक्ष के सवाल उठाने का सवाल है, तो विपक्ष ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुका है, क्योंकि राजद के काल में जो अपराधी अपराध करते थे तो वहाँ कहाँ पाए जाते थे, आप सभी को मालूम है। तो अब वो सत्ता संपोषित अपराध हुआ करता था। आज के दिन में कोई ये नहीं कह सकता कि अपराध सत्ता संपोषित है, अगर अपराध कोई करता है तो वो पकड़ा जाता है। उसी कड़ी में आपने जो कहा है, जो भी बालिका गृह के कांड के बारे में, वो बड़ा दुखद है, और नीतीश सरकार महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है, और अगर उस लड़की के साथ अगर किसी ढंग का महिला से अत्याचार हुआ है तो पूरी तरह से उसमें अपराधी अगर पाताल में भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का पिता पुत्र या पति हो, ये मायने नहीं रखता, वो किसी भी पार्टी संबंधित हो, अपराधी अगर अपराध किया है, ऐसे जघन्य अपराध, तो वो पकड़ा जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और डिटेंट पनिशमेंट दिया जाएगा ताकि अन्य अपराधियों को उससे सीख मिले और एक अपराध की सजा से 100 अपराधियों का मनोबल गिरे। बस एक आखिरी सवाल है, आखिर क्या कारण है कि समाज कल्याण विभाग जो है आप लोग का हमेशा सुर्खियों में रहा, 2018 मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, फिर ये पटना गायघाट शेल्टर होम, वंदना गुप्ता अभी तक पद पर बनी हुई है, इतना संगीन आरोप है, FIR पीड़िता का स्टार्टिंग में नहीं दर्ज किया गया, कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद आपकी पुलिस एक्टिव हो जाती है, तो समाज कल्याण विभाग क्यों सवाल उठेगा? देखिए, समाज कल्याण विभाग में जो हो रहा है, इस बात को पूरे आप लोग के मीडिया से पूरा निश्चित आएगा, और ये सारी बिंदुवार हर चीज़ों का FIR अभी हुआ है, बिंदुवार अनुश्रवण अन्वेषण होगा और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप अगर थोड़ा बहुत जो हो रहा है, समय लग रहा है, वो HK जो लॉ एंड ऑर्डर का चीज़ें हैं, तो उसमें पूरा वो कोई भी है, मैंने कहा ना कि वो कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। समाज कल्याण विभाग की अगर निष्क्रियता या संलिप्तता पाई गई, उसके अधिकारी कितने भी आला अधिकारी क्यों ना हो, अगर संलिप्तता या पाई जाएगी तो वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मैं किसी का नाम लेकर के, ABC का नाम लेकर के मैं नहीं करना चाहता, ऐसे जघन्य अपराध में, ऐसे घृणित अपराध में जो मानवता के खिलाफ अपराध है, कोई भी व्यक्ति की संलिप्तता, सहभागिता, संरक्षण किसी तरह की होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पे जदयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा, कोई भी पद पर रहे, कोई नहीं बचने वाला। रोहित, NBC 24, पटना।